नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको मीडोक टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कैसे वर्क करती है, इसको किन कंडीशन में हम पेशेंट को यूज कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसकी डोज क्या है और कुछ सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मीडोक टैबलेट है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाया गया है। मीडोक टैबलेट में मैकोबेलामाइन 1500 mcg पाया गया है, जिसे कि हम मिथाइल को गोलामाइन भी कहते हैं। ये लीफोर्ड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है और इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है 72 रुपीस। ये आपको वन स्टिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। अब हम इसके वर्क के बारे में जान लेते हैं। जो टैबलेट मीडोक है इसमें मैकोबेलामाइन पाया गया है, जो कि एक एक्टिवेटेड फॉर्म है विटामिन B12 की। ये क्या काम करता है? ये माइलिन नाम के मटेरियल की प्रोडक्शन करने का फंक्शन करने का हेल्प करता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है और कवर करता है नर्व फाइबर्स को। अगर हमारी बॉडी में मैकोबेलामाइन की मात्रा कम है तो माइलिन नाम की जो शीट है होती है वो नहीं बनती है और ना ही हेल्दी रहती है। माइलिन शीट क्या हेल्प करती है? जब पेशेंट को अनीमिया हो जाता है तो उसमें इंक्रीज करती है एरिथ्रोसाइट्स को और साथ ही प्रमोट करती है न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसाइसिस को बोन मैरो में, जिससे कि मैचुरेशन एंड डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाती है। मींस जो नए सेल्स होते हैं वो बनना और टूटने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और नर्व सेल को बनाने में। अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि हम किन पेशेंट को इस मेडिसिन को दे सकते हैं। मीडोक टैबलेट को मेगालोब्लास्टिक नीमिया में दिया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो बोन मैरो होती है वो अब नॉर्मल और लार्ज ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, जो नए सेल्स है वो ठीक तरह से नहीं बनते, जिसके कारण पेशेंट को नीमिया हो जाता है या फिर इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, जो नर्व होती हैं वो डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, वो रेगुलेट नहीं करती है प्रॉपर ब्लड को, जिसकी वजह से मूड में चेंजेस आने लगते हैं और जो नर्व के सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर नहीं पहुंचते हैं। या फिर इसको अमायोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ये क्या होता है, इसमें मसल्स की वीकनेस हो जाती है और जो फिजिकल फंक्शन होता है वो भी इम्पैक्ट हो जाता है, इसमें भी पेशेंट को दिया जा सकता है। या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी पेशेंट को दिया जा सकता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, डायबिटीज की वजह से जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है। ये यूजली फीट्स और लेग्स में होता है। साथ ही मेडिसिन को हम ब्रेन के, लीवर के, हार्ट के या फिर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसको प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए विटामिन B12 के लो लेवल के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो मीडोक टैबलेट है इसकी डोज और जो ड्यूरेशन है वो पेशेंट की हेल्थ कंडीशन, उसकी डिजीज कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इसे आप दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में या खाना खाने से पहले ले सकते हैं। इस टैबलेट को हमेशा सबलिंगुअली मींस अपनी जीभ के नीचे रखकर लेना है। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स हैं सिर दर्द होना, खारिश होना, सोजिश होना, नर्वसनेस होनी या फिर इनवॉलंटरी और इनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स करना। इसका मींस ये है कि जब पेशेंट अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मूवमेंट करने लगता है या फिर भूख कम लगना, तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स दिखाई देना। लास्ट में हम किसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। अगर आपकी बॉडी में पोटाशियम का लेवल कम है तो अपने डॉक्टर की राय के अनुसार इस मेडिसिन को लें। इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर को या फिर फार्मासिस्ट को अपनी प्रॉपर हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए कि आप पहले कौन सी
मेडिसिन ले रहे हैं, आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, या फिर आपको किसी भी तरह की कोई और डिसीज कंडीशन तो नहीं है, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के बाद ही इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लीवर और किडनी की डिसीज में इस टैबलेट को सेफ माना गया है। बच्चों को इस मेडिसिन से हमेशा दूर रखना चाहिए। ओवरऑल जाने तो मिडोक टैबलेट को आप अगर पेशेंट को अनीमिया हो गया है, या फिर नर्व की भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, या फिर विटामिन B12 का लेवल कम है, या फिर लीवर किडनी हार्ट या फिर ब्रेन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।